अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक रेयान अदनान कुकिंग चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। चलें जी, टाइम वेस्ट के बगैर आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। ये देखें, ये है दालें जो कि मैं बना रही हूँ, दलीम हलीम। ये देखें, एक एक पाव दालें हैं मेरे पास। ये मसूर की दाल एक प्याली, मूंग की दाल जो सी होती है वो भी एक प्याली, माश की दाल एक प्याली, एक एक प्याली दालें हैं ये तीनों। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको भिगो लूँगी। और जो चने की दाल है वो मैं डालूँगी दो प्याली, आधा किलो, और गंदम एक किलो तकरीबन। अब सबसे बड़े पतीले में, जो कि पतीला तकरीबन हम ले लेंगे बड़ा सारा, जो कि दिखने में मोबाइल में ये स्क्रीन में छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी सारा बड़ा पतीला है। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया, तकरीबन ये 8 लीटर पानी होगा। अब इसको गर्म होने का वेट करेंगे। जब ज़रा ये गर्म हो जाएगा तो पहले से भीगी हुई दालें, जो कि मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले कम से कम दालें, तीनों दालें हैं ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उनको मैंने भिगो दिया था। ये देखें, ये हाथ से प्रेस करने से टूट भी रही है, अच्छी तरह से भीग गई है। दालों का भीगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको मैं ये गर्म पानी के अंदर डाल दूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी। हल्दी 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और 1 टीस्पून भर के मिर्चें डाल दूंगी। मिर्चों का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे, इसलिए मैंने दालों के हिसाब से मसाला डाला है। अब मैं ये दालें भिगी हुई स्ट्रेनर में डालकर, ताकि पानी वो दूसरे वाला ना शामिल हो, डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं नमक भी शामिल कर दूंगी इन दालों के लिहाज से, जो कि तकरीबन 2 टीस्पून भर के नमक है। नमक का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे, इसलिए यहाँ पर इतनी ही ज़रूरत थी नमक की। अब मैं इसको पकने दूंगी और 2 टीस्पून भर के ऑयल डाल दूंगी, ताकि पानी उबलते वक्त इस दालों का बाहर ना निकले। अब मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ा सा खोल कर, और इसे पकने दूंगी। दरमियान में सेंटर में मैं चेक करती रहूंगी और दालों को पकने दूंगी। दूसरी तरफ मैंने चने की दाल, जो कि 2 प्याली भी पहले से भिगोई हुई थी, यानी कि आधा किलो, उसको बॉईल कर लूंगी अलहदा से, आम तरीके से बॉईल करेंगे। और इसमें भी 2 टीस्पून भर के ऑयल डाल दूंगी, कुकिंग ऑयल। इससे भी ये होगा कि झाग वगैरह जो सब ऊपर आ जाएंगे आराम से, और वो बाहर नहीं निकलेंगे, ना झाग ना पानी। वरना अगर हम ऑयल ना डालें, ऐसे ही बॉईल करें, तो ये सारा पानी निकलकर बाहर आ जाता है। अब ये झाग बनने शुरू हो गए हैं, मैं इन झागों को निकाल लूँगी। आप किसी स्ट्रेनर से भी निकाल सकते हैं, मैं ये जो इससे बना रही हूँ चम्मच, उससे निकाल रही हूँ। झाग हम निकाल देंगे तो भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। और ये झाग निकाल देने से जूद हजम हलीम बनता है। अगर हम ये झाग समेत पकाएं दलीम या कोई भी दालें वगैरह, तो हज़म करने में मुश्किल होती है, देर हज़म रेसिपी बनकर तैयार होती है। सारे झाग हमने निकाल दिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, ये भी मैं निकाल दूंगी। दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर मैं इसको साइड पे रख दूंगी उतार कर। सारे झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब ये जो दालें मैंने पकने के लिए रखी थी, इसमें हम चम्मच चला लेंगे, देख लेंगे। देखिए, दालें हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई हैं, तकरीबन गल गई हैं दालें हमारी। अब इसके अंदर 1 प्याली चावल, जो कि ये भी मैंने पहले से भिगोए हुए थे, ये मैं डाल दूंगी। आप यहाँ पर छोटे चावल जो होते हैं आम इस्तेमाल के, टोटा खिचड़ी वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं, और साबुत भी। अब देखें, चने की दाल अच्छी तरह से गल गई है, इसको मैंने साइड पे रख लिया है। इतने ये दालें भी ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं इसे इसी दालों में डाल दूंगी, मिक्स कर लूंगी। अब ये देखें, 1 किलो गंदम है तैयार, जो कि बाहर से ही
तैयार मिलती है साफ़ सुथरी, वो पूरी 1 किलो है, उसको भी मैं भिगो दूँगी। थोड़ी देर तकरीबन आधा घंटा भी भिगो लें तो ये काफ़ी होती है, क्योंकि ये बाज़ार वाली है गंदम जिसका आटा बनता है, ये दलीम में डालें तो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। अब मैं इसको भिगो लूँगी आधे घंटे के लिए। यहाँ पर जो भी न्यू मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना सब्सक्राइब के मत जाएं और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त और सबसे पहले मिल सके। अब ये देखें, जो ये गंदम थी इसको भी मैं बॉईल कर रही हूँ, पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और यह गंदम भी। अब इसके अंदर भी ये देखें दाल हमारी पक रही है, इसको हम पकने देंगे, दरमियान में चेक करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से दाल हमारी बन जाए। इसके अंदर अब बे लीफ जो कि 4 अदद है वो मैं डाल दूँगी, जो कि पहले डालना भूल गई थी तो अब मैंने डाल दिया। गंदम भी हमारी गल गई है, उसको मैंने निकाल दिया, उतार दिया था। अब ये दूसरी तरफ प्रेशर कुकर ले लूँगी, इसमें जल्दी से गोश्त हमारा बॉईल होगा। इसके अंदर मैं खड़ा मसाला जो होता है 2 दालचीनी स्टिक, 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची ये डाल दूँगी, थोड़ा सा क्रैकल करने दूँगी। क्रैकल हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर तकरीबन 1 पाव प्याज काट कर रफली बारीक बारीक वो मैं इसके अंदर काट कर डाल दूँगी, जो कि हम ऊपर से प्याज फ्राई करेंगे वो मैं अलहदा से कर लूँगी, या पहले आप कर लें जैसे आपको ईजी लगे। अब इसको लाइट गोल्डन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे, लाइट पिंक करेंगे। ये देखें जैसे कि मुझे प्याज चाहिए थी वो कलर आ गया है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डार्क करने से कड़वाहट शामिल हो जाती है जो कि हमें नहीं चाहिए। बस अब इसके अंदर मैं बीफ एक किलो पहले से धुला हुआ और स्ट्रेनर में रखा हुआ, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो डाल दूंगी और इसको कलर चेंज हो जाने तक भून लूंगी। एक टेबल स्पून लहसुन इसके अंदर कुटा हुआ शामिल करूंगी, इसके साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे, सारी इसकी हींग निकल जाएगी और कलर चेंज हो जाए तो अच्छी तरह से भून कर मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी। सबसे पहले इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून हल्दी डालूंगी, 2 रेड मिर्चें पिसी हुई वो भी 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल दूंगी। नमक डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के, और इस मसाले को थोड़ा सा पानी डाल डाल कर अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाला भून कर इसके अंदर पानी डालकर मैं इसकी प्रेशर की लीड लगा लूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक गोश्त के गल जाने तक मैं इसको पका लूँगी। अभी गोश्त हमारा कच्चा है, अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी गलने के लिए। आज से पानी बेशक थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, बस गोश्त को अच्छी तरह से टेंडर होना लाजमी है। अब पानी शामिल कर दूँगी इसके अंदर, बहुत से लोग टमाटर डालते हैं लेकिन मैं टमाटर दलीम में नहीं डालती, उससे मेरी राय यह है कि जायका दब जाता है। आगे आप लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी और टेस्ट होता है। ये देखें गोश्त को मैंने अच्छी तरह से गला लिया था, जब अच्छी तरह से गल गया तो मैं इसको ये जो क्या कहते हैं इसको कूटने वाला जो मसाला कूटने वाला होता है उससे प्रेशर दे लूँगी अच्छी तरह से ताकि इसके रेजे रेजे से हो जाएँ। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया था, इसके रेशे हमें चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने दालों में चने की दाल भी डाल दी थी और गंदम भी,
और उसको हल्का सा मैंने मैश कर लिया था इसके अंदर जग के अंदर डालकर, ब्लेंडर जग में डालकर दो दो मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, सब को इकट्ठा कर लिया सब मसाले को। और ये फिर मैंने गोश्त बाद में उसके अंदर डाला है। यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी ज़ीरा डाल सकते हैं थोड़ा सा जो बाकी है लगा हुआ मसाला वगैरह प्रेशर कुकर में, उसके अंदर भी मैं पानी डालकर वो भी थोड़ा सा हिलाकर इसके अंदर डाल देंगे। कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिए सारा कुछ मिक्स हो गया अच्छी तरह, और दलीम को हम मज़ीद 30 से 35 मिनट और पकाएंगे। ये देखें अब ये इतना है तो पक कर काफ़ी कम भी हो जाएगा और रेडी भी हो जाएगा। अभी इसको काफ़ी देर पकाने की ज़रूरत है। चम्मच चलाते रहेंगे हम अच्छी तरह से, देखें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी और मज़ीद रेसिपीज़ मिलेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अच्छी तरह से मैंने पका कर इसको तैयार कर लिया है। दलीम को दूसरी तरफ मैं भंगार इसका तैयार करूँगी। इसके अंदर मैंने दो कप आयल डाल दिया है कुकिंग, उसको गर्म कर दिया। मैं प्याज हसब ज़रूरत जितनी मुझे ज़रूरत थी जो ऊपर से मैं सर्विंग के लिए तैयार कर रही हूँ वो डाल दी है। गरम गरम आयल में डालेंगे, और इसका एक सीक्रेट प्याज को कुरकुरा बनाने के लिए थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करेंगे। प्याज में जितना भी पानी होगा नमी होगी वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा नमक। ये देखें अच्छी तरह से प्याज हमारी कुरकुरी तैयार हो गई है, और ये थोड़ी सी प्याज इसके अंदर ही रखी रही, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा भी डाला था जो कि स्किप हो गया। अब वो मैं भंगार इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें पक कर इतना हो गया था दलीम हमारा, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना था। इसके अंदर भंगार हमने लगा दिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा दलीम बनकर तैयार हुआ था, खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े का। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, ऐड के साथ वॉच किया करें, सपोर्ट दिया करें। चलें जी, मिलती हूँ किसी भी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। मज़ेदार दलीम बनाने के लिए मेरी रेसिपी को फॉलो करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक़्त और सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।